हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या महाजन अपनी आज की वीडियो में बात करूंगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और किसी और नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे आते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 होता है और इसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं? 0 से लेकर 9 तक। जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दी गई है, 4, 8, 7, 2, जिसमें 2 जो है वो वंस पोजीशन पे लाई कर रहा है, 7 जो है टेंस पोजीशन पे, 8 हंड्रेड पोजीशन पे एंड जो 4 है वो उसके 1000 पोजीशन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि 4 की जो प्लेस थी, जो पोजीशन थी वो 1000 थी, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने इनको किन किन से मल्टीप्लाई किया? जिस पोजीशन पे ये नंबर्स, ये डिजिट्स जो थे वो लाई कर रहे थे। तो अब हम इसको फिर से कैसे लिखेंगे? 4, 8, 7, 2। सेम वे में आपके सामने एक और एग्जांपल दी गई है, जो नंबर क्या है? 2, 5, 6। इनमें भी हम क्या करेंगे? सभी डिजिट्स लिखेंगे। कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास? 2, 5 और 6। इनको हम सेपरेटली लिखेंगे और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इसके साथ इसके बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस क्या है? 10, क्योंकि नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके बाद तीनों डिजिट्स 2, 5 और 6 के बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? हम राइट से लेफ्ट तक इसको पावर्स अलॉट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो 6 है वो वंस प्लेस पे है, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है और जो 2 है वो हंड्रेड प्लेस पे है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम इनकी पावर्स को एक्सपेंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10 का स्क्वायर, मतलब 10 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, इसीलिए 2 के साथ 100 को मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद हम इन तीनों को फिर से ऐड करेंगे। 200 प्लस 50 प्लस 6, जो कि हमारा, हमें आंसर देगा 256। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा जो क्वोशेंट है वो 0 नहीं बन जाता। और हम रिमाइंडर्स को कैसे लिखेंगे? हम रिमाइंडर्स को लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। और याद रखें, हमारा जो रिमाइंडर है वो दो ही तरह में आएगा, 0 या 1, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब देखिए, जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल दी गई है, 162.375। ये एक नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसके दो पार्ट्स बना लीजिए, 162 और एक पार्ट बनेगा 375। जो 162 है वो क्या है? आपका इंटीजर पार्ट है। तो 162 को आप 2 से डिवाइड करें जब तक आपका जो क्वोशेंट है वो 0 नहीं बन जाता। हमने पहले 162 को 2 से डिवाइड किया, हमारा जो आंसर है वो 81 आया और हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 बन गया। इसी तरह से हम हर एक डिजिट को डिवाइड करते रहेंगे लास्ट तक। देखिए, जब हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, हमारा जो क्वोशेंट है वो 0 बन गया और रिमाइंडर क्या है? 1 आया। और यहाँ पे एरो दी गई है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर। तो हमने इसका जो आंसर है उसी तरह से कलेक्ट करना है। तो हमारे जो इंटीजर पार्ट का आंसर है वो क्या आएगा? 1010010। ये हमारा आ गया इंटीजर पार्ट का। अब नेक्स्ट हमारा बचा फ्रैक्शन पार्ट, वो क्या है? 0.375। अब हमने इसमें क्या करना है? इंटीजर पार्ट के लिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया,
लेकिन फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कौन से नंबर सिस्टम में जाना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2। तो जब हमने 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 0.750। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से लिखेंगे, 0.750 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आया 1.500। अब नेक्स्ट में क्या लेंगे, नेक्स्ट में हम 1.500 नहीं लेंगे, हम इसमें क्या लेंगे, इसका सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट, और इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 0.500। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1.000। हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, अगर आप चाहो तो आगे एक दो वैल्यूज और ले सकते हो। तो अब हमने इसको कैसे करना है, ऊपर से नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, 1, 1। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो वो हमारा आंसर आपके सामने दिया गया है, 1010010 इंटीजर पार्ट का, फिर अगेन, फिर उसके बीच में पॉइंट, फिर जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट का आंसर आया वो क्या था, 0, 1, 1। तो इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी थी हमने। अब हमारे सामने उसी की एक और एग्जांपल दी गई है, नंबर क्या दिया है, 160। तो हम जब भी डेसिमल से बाइनरी जाते हैं हम क्या करते हैं, 2 से उसको डिवाइड करते जाते हैं, कब तक, जब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो जीरो नहीं बन जाता। इधर भी देखिए यही किया है, 160 को 2 से डिवाइड किया है और आगे रिमाइंडर लिखा है 0। इसी तरह से हम लास्ट तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो क्वेश्चन है वो जीरो नहीं बन जाता। और इसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। वन मोर एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है, 458 जो डेसिमल में है, देखिए ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसका बेस 10, मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हमने किस में जाना है, बाइनरी में। हम इसको भी सेम वे में करेंगे, जो लोएस्ट टर्म होती है, जहां पे एरो दिया गया है, लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाना है, तो लोएस्ट को कहा जाता है LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB पे जाना है, MSB को क्या कहेंगे हम, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसके साथ देखिए 458.692 एक और एग्जांपल दी है, तो 458 को हमने अभी सॉल्व किया, और 0.692 को, 692 को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच लगा के उसका आंसर कलेक्ट करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर को बेस ऑफ बाइनरी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स अलॉट करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, आपके सामने एक बाइनरी नंबर दिया है 1010, ये एक बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें 1 और 0 के अलावा कोई भी और नंबर यूज नहीं किया गया है। तो इस नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, और फिर राइट टू लेफ्ट हम इसमें पावर्स लगाएंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम इनके साथ पावर्स लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, 2 के साथ पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड देन 2 की पावर 3। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल नंबर है वो 10 आएगा, जो कि किसका इक्विवेलेंट है, 1010 का। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दी हैं, और वो एग्जांपल्स क्या हैं, पहली दी गई है बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, और देन डेसिमल टू बाइनरी। आप देख सकते हैं कि क्या है, सबसे पहले नंबर दिया गया है 1110.011, इंटीजर पार्ट का तो आपने अभी पढ़ा है कि कैसे करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन पार्ट को भी हम सेम वे में करेंगे, लेकिन उसकी पावर्स कैसे ऐड करेंगे, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन,
और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद दो और एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप उसको सॉल्व करिए। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ भी क्या दिया गया है कि अगर कोई भी बेस हो तो हम उधर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे। सिंपली है, हम किसी भी बेस से जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जाते हैं तो हम उसी के बेस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज अगर हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो हम 2 बेस के साथ ऐड करेंगे। अगर हम ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो हम बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 से जा रहे हैं तो हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही था टॉपिक हमारा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। थैंक यू। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, और इसके बाद ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।